हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाटा हैंडलिंग क्लास 8 का, एंड चैप्टर है आपका 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू AKG ट्यूटोरियल्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर डाटा हैंडलिंग क्लास 8 का चैप्टर 5। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रीफ में देख लेते हैं हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं डाटा हैंडलिंग चैप्टर में? मीनिंग ऑफ अ डाटा एंड रॉ डाटा, मतलब हम डाटा का मतलब जानेंगे, रॉ डाटा का मतलब जानेंगे, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ डाटा, इसको जस्ट हम सिर्फ ब्रीफ में ही पढ़ेंगे कि डाटा किस कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है जी। फिर डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, डाटा रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे हम इसमें, जिसमें हम पिक्टोग्राफ कवर अप करेंगे, बार ग्राफ करेंगे, डबल बार ग्राफ करेंगे, हिस्टोग्राम करेंगे, पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ करेंगे, और प्रोबेबिलिटी चांसेस या प्रोबेबिलिटी, ये हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपका कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ अ डाटा। डाटा एक्चुअली में कहते किसे हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा हम किसे कहेंगे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स दे रखी है, स्टूडेंट्स के हाइट दे रखी है हमने, मतलब टीचर को जानना है, मतलब आपके एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है कि टीचर को जानना है कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ अ स्टूडेंट्स या एवरेज हाइट ऑफ अ गर्ल्स। तो आप क्या करोगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, आपको प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम क्या है टीचर की, कि उसको एवरेज हाइट निकालनी है गर्ल्स की, ठीक है, हमें प्रॉब्लम पता है। अब हम डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, हम सब गर्ल्स की हाइट नोट डाउन कर लेंगे, उसे पूछ के हाइट नोट डाउन करने के बाद लिख लिया दैट रिप्रेजेंट, मतलब हमने कलेक्ट कर ली न्यूमेरिकल फिगर्स में, हाइट हम न्यूमेरिकल फिगर्स में लिखेंगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, उसे हम डाटा बोलेंगे। हमारे पास डाटा आ चुका है, प्रॉब्लम क्या थी, मतलब पहले हमें सिचुएशन पता होनी चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम डाटा कलेक्ट करेंगे। तो सिचुएशन क्या थी यहाँ पे, कि टीचर को एवरेज हाइट पता करनी है, तो एवरेज हाइट के लिए हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, इंफॉर्मेशन हमें गर्ल्स की हाइट हमें नोट डाउन करनी है, न्यूमेरिकल फिगर्स में हमें गर्ल्स की हाइट नोट डाउन करनी है। तो वो हम नोट डाउन कर लेंगे तो हमें, हमारे पास डाटा फॉर्म आ जाएगा। अब उसमें से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, एनालाइज करना है उसे, हम फिर हम उसमें जाएंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स हम यूज करेंगे। तो उसमें अब हमें एवरेज हाइट निकालनी है, तो हमें एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ, मतलब एडिशन ऑफ ऑल दी हाइट्स, कितनी हाइट्स है, सपोज 10 गर्ल्स है, 10 गर्ल्स की हाइट का टोटल करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर गर्ल्स की हाइट का एवरेज निकालना है तो नंबर ऑफ गर्ल्स करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट्स का निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करना है। ऐसे ही आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आपकी क्लाइंट जो मैम है उनको जानना है कि इंग्लिश में कितने बच्चों ने मतलब एवरेज स्कोर किया है, मतलब व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ, मतलब कितना आपने स्कोर किया है इंग्लिश में, क्या एवरेज स्कोर रहा है इंग्लिश का। तो क्या करेंगे, जितने भी बच्चों ने इंग्लिश में जो भी स्कोर किया है उसको नोट डाउन कर लेंगे, वो आपका आ गया डाटा, उसमें से हम एनालाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितने बच्चों ने मार्क्स स्कोर किया है उसको एड अप करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे, तो आपकी एवरेज निकल जाएगी। बट अगर एक चीज और है, एक मैं आपको एग्जांपल सिचुएशन देती हूँ, आप उसमें बताना कि हम उसमें हम कौन से बायोग्राफ में जाएंगे। सपोज मुझे सिर्फ इसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पिक्टोग्राफ में शो करना है कि मतलब कितने बच्चों ने इतना स्कोर किया है, तो हम पिक्टोग्राफ की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको मुझे कंपैरिजन करना है बिटवीन क्लास 8A एंड 8
सकते हैं। तो ये और उसमें फिर कुछ टर्म्स आएंगी आपकी फ्रीक्वेंसी, टेलीमार्क्स, क्लास इंटरवल्स, तो ये सारे हम उसमें कवर अप करेंगे जब ये वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप डाटा का आपको मतलब अच्छे से क्लियर समझ आ गया होगा। ये आपको फिलेप्स फॉर्म में भी आ सकता है और आपके एनसीईआरटी के बैक में जब आप जाओगे, जब चैप्टर एंड होता है उसमें भी आपके थिंग्स टू रिमेम्बर वाली चीज़ें डेफिनेशन दे रखी हैं, तो आप उसमें से भी जाके रीड कर सकते हो। तो डाटा का मतलब है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, क्लियर? नाउ कमिंग टू द पॉइंट सेकेंड, दैट इज रॉ डाटा। अब रॉ डाटा क्या है? रॉ मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं रॉ मटीरियल, रॉ मटीरियल से हम क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स बनाते हैं। फिनिश गुड्स मतलब जो हम यूजेबल आइटम होता है, बट रॉ मटीरियल क्या होता है? यूजफुल नहीं होता। रॉ मटीरियल जो होते हैं सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ही यूजफुल होता है। तो रॉ डाटा है कि मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है। उसमें से हमारे आसपास तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट उसमें से हमारी प्रॉब्लम क्या है, अब हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेंगे। तो ये चीज़ है कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर गैदर्ड इनिशियली, मतलब फर्स्ट स्टेज है ये आपकी फर्स्ट स्टेज है कि कलेक्शन कलेक्ट करनी है आपको ऑब्जर्व, मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया उसको कलेक्ट करना है, विच आर गैदर्ड इनिशियली, ये फर्स्ट स्टेज है आपकी। सेकेंड, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा, इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जो हमारी यूज की नहीं है इंफॉर्मेशन, हम यूज अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जो अभी मतलब इसमें से हम कुछ एनालाइज नहीं कर सकते हैं, तो जब हम एनालाइज करने के लिए हमें उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करने के बाद ही हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं या अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। तो रॉ डाटा क्या है? इट इज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा, डाटा का एक टाइप है ये, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है ये, क्लियर? इट कैन नॉट बी यूज्ड द वे इट इज, मतलब जैसी वो मतलब जो रॉ डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, हम उसका एज इट इज यूज नहीं कर सकते, उसमें हमें कुछ फिल्ट्रेशन, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि वो जो इंफॉर्मेशन है, जो हमने डाटा गैदर किया है, वो यूजफुल हो सके। इट हैज टू बी प्रोसेस्ड, मतलब वही चीज ना, क्या करना है उसमें, प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड देन कैन बी यूज्ड टू गेट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो ये हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे रॉ डाटा को। रॉ डाटा का एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है जिसको हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ताकि हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन हम निकाल सके। तो इसी प्रोसेस को, प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड दैट कैन बी यूज टू गेट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, उसी को हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग। मतलब रॉ डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, जो टेक्निक हम यूज करते हैं, जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग, जो हमारा चैप्टर है। तो डाटा हैंडलिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, पहले आप कलेक्ट करो इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज करो इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग द डाटा। आप उस इंफॉर्मेशन को, जब इंफॉर्मेशन आपकी कन्वर्ट हो गई, ऑर्गेनाइज हो गई, तो आपका वो क्या बन गया? डाटा बन गया। और उसको प्रेजेंट करो इन सच अ वे दैट इज हेल्पफुल टू एनालाइज एंड टू मेक द कंक्लूजन, ताकि हम जो हमारी प्रॉब्लम थी हम उसके सॉल्यूशन पे निकल पाए। तो आई होप विद दिस आपको डाटा, रॉ डाटा एंड डाटा हैंडलिंग का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब इसके बाद है डाटा, जैसे हमने यहाँ पे बोले ना प्रेजेंटिंग, अब यही हम सीखेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन, कि डाटा को हमें कैसे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स हमें कैसे यूज करना है, कैसे मतलब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारे पास डाटा है, ठीक है जी। तो उसमें से आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे कि आपको ऑलरेडी ये फिगर्स दे रखी होंगी, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर दे रखे होंगे, जिसको आपको उन फिगर्स में से देख के आपको डाटा एनालाइज करना है। कुछ भी दे रखा है, पिक्टोग्राफ दे सकते हैं, बार ग्राफ दे सकते हैं, डबल बार ग्राफ दे सकते हैं, कुछ भी दे देंगे और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दे
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड ये आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बन जाएगा आपका, जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप इसके बेसिक्स अच्छे से पढ़ के चलोगे जब हम करेंगे क्लास में, तो आपको बहुत अच्छे से अगर आप बेसिक समझोगे तो आगे बड़े लेवल पे जब आप पढ़ाई करोगे इस चैप्टर को और डीप में पढ़ोगे तो अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो हम लेंगे वो है पिक्टोग्राफ। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये डाटा, रॉ डाटा एंड डाटा हैंडलिंग क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए ये। अगर आपने अभी भी नहीं लिखा है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। डाटा हैंडलिंग में हमने डाटा हैंडलिंग का मीनिंग, डाटा का मतलब एंड रॉ डाटा का मतलब भी पढ़ लिया है। डाटा को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो टाइप्स भी हमने पढ़ लिए हैं, बट वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो बढ़ते हैं पिक्टोग्राफ की तरफ। देखते हैं पिक्टोग्राफ आपका ये टॉपिक इसमें है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है डाटा हैंडलिंग के अंदर हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन यूजफुल मैनर, ताकि हमें उससे जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है हम वो ले सकें। तो जो पिक्टोग्राफ है वो एक वन ऑफ द टाइप है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है जी, तो आज ये वाला टॉपिक हम ले रहे हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। बेसिकली पिक्टोग्राफ क्या है? पिक्टोग्राफ बेसिकली पिक्टो मीन्स पिक्चर्स। हम क्या किस चीज का यूज करते हैं? यूज ऑफ पिक्चर्स एंड फिगर्स, कुछ भी पिक्चर्स एंड फिगर्स के लिए यूज करते हैं। बेसिकली जो वो होता है वो बड़े डाटा को हमें थोड़ा सा क्रिस्प फॉर्म में करने के लिए हम पिक्टोग्राफ का यूज करते हैं। तो जो आपके क्वेश्चंस कवर अप हैं आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, उसमें आपको पिक्टोग्राफ दे रखा होगा, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, मतलब एनालाइज करना होगा आपको पिक्टोग्राफ। तो हम यहाँ पे पिक्टोग्राफ में से, मतलब पिक्टोग्राफ गिवन पिक्टोग्राफ में से हमें क्वेश्चंस के आंसर करने, एनालाइज करना है एंड प्लस हम लोग पिक्टोग्राफ बनाना भी सीखेंगे। ठीक है जी, तो पहले पिक्टोग्राफ क्या है? यूज ऑफ पिक्चर्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है यूज द गिवन पिक्टोग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उससे पहले हम पिक्टोग्राफ देख लेते हैं क्या है। नेम दे रखा है एंड कुकीज सेल, कितनी कुकीज सेल हुई है, राम ने कितनी करी है, श्याम ने कितनी करी है, सीता ने कितनी करी है, गीता ने कितनी करी है। इसमें हम क्या बोलते हैं? यूज ऑफ पिक्चर्स। तो उसने बताया है कि इसका, इस एक का मतलब क्या है? फाइव बॉक्सेस ऑफ कुकीज। क्या है? फाइव बॉक्सेस ऑफ कुकीज। तो हम राम की काउंट कर लेते हैं कि राम ने कितनी कुकीज सेल करी है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास कितनी है? 8 हो रही है। 8 into कितनी नंबर ऑफ कुकीज, एक का मतलब क्या है? 5, तो यानी कि 40 कुकीज। शाम की कितनी आ रही है काउंट करके? 3 आ रही है, तो 3 into 5 15 कुकीज। सीता 1 2 3 4 5 6 7, 7 into 5 35 कुकीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 into 5 50 कुकीज। ठीक है जी, समझ आ गया? मतलब हम एक को हम एज्यूम करके चल रहे कि 5 बॉक्सेस ऑफ कुकीज, हम इतनी सारी, देखो 40 कुकीज तो नहीं बना सकते यहाँ पे, तो हम एक क्रिस्प फॉर्म में हम यूज ऑफ फिगर्स कर रहे हैं और एक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक को हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो जो एक है, ये एक सिंबल जो है या एक पिक्चर जो है वो 5 बॉक्सेस ऑफ कुकीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ मेनी कुकीज सोल्ड बाय सीता, सीता ने कितनी कुकीज सोल्ड करी है? 35। गीता ने कितनी करी है? 50 कुकीज। राम ने 40, श्याम ने 15। गॉट इट, क्लियर हो गया? हु सोल्ड मोर, किसने?
कुकीज, who sold less? Shyam sold 15 cookies, less cookies. And इससे और क्या questions आपके बन सकते हैं? कितने से कितना difference आ रहे हैं? मतलब किसने ज़्यादा करी है, किसने कम sale करी है, उन दोनों का क्या difference है? 50 minus 15 is equal to 35. समझ आ गया? Clear हो गया ये pictograph? Pictograph में से question को analyze करना, ठीक है? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. और उससे पहले हम पिक्टोग्राफी एक रिटर्न में डेफिनेशन आपको मैं नोट डाउन करा देती हूँ और उसको समझा भी देती हूँ, ताकि अगर फिलिप्स की फॉर्म में आए तो आप उसको आंसर कर सके, ठीक है? तो चलिए पिक्टोग्राफी डेफिनेशन और लिख लेते हैं. gmail.com एंड अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं akgtutorials2020@gmail.com. तो गाइज जो आज टॉपिक्स पढ़ाए हैं प्लीज़ उसको डू रिवाइज एंड कोई भी डाउट आता है तो आप उनसे कभी भी पूछ सकते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. टिल देन स्टे एट होम, स्टे फिट, टेक केयर, बाय बाय.